समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। सनातन रक्षक सेना की ओर से चलो अयोध्या राम जन्मभूमि भव्य दिव्य धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन 11 फरवरी को किया गया। इस धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान 1008 किलोग्राम की धूप बत्ती नागपुर से अयोध्या भेजी गई। इस शोभा यात्रा की शुरुआत नितिन जी गडकरी इनके घर से की गई। विविध मान्यवरों ने इस शोभा यात्रा को भेंट देकर भक्तों का उत्साह बढ़ाया। नागपुर से यह शोभा यात्रा निकलकर सिवनी, जबलपुर, मैयर, प्रयागराज और काशी होते हुए अयोध्या धाम 14 फरवरी को पहुंचेगी। सनातन रक्षक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक सो अनुरमा सिंह की अध्यक्षता में इस धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं राजस्थान से हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया है वो एक महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ कार्य है। उन्होंने पूरे भारत में श्री रामलला के उद्घाटन के मंदिर की जो तारीख थी वो निश्चित भी नहीं हुई थी। उससे पहले से इनका संकल्प था कि मैं अयोध्या में धूप बत्ती को ले जाके और वहाँ रामलला को समर्पित करूँगी, और एक साल पूरा उनको इस कार्यक्रम के लिए पूरे भारत में घूमते हुए हुआ है। हम लोगों का संकल्प है, शुभ संकल्प है, एक तो महिला शक्ति को दिखाना। ज़्यादा लोगों के पास मिलने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी पहुंची हैं, तो लोगों का ये रहा कि आपके साथ पुरुष वर्ग कितना है जो आपको सहयोग कर रहा है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम महिलाएं इस कार्य को करके दिखाएंगी। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम रामलला को जाके धूप बत्ती समर्पित करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे राम जी का नाम पूरे विश्व को, पूरे धरा मंडल को सुगंधित कर रहा है, तो हमारा है कि भगवान राम जी को धूप बत्ती हमारी है ना, तो भगवान जी के प्रांगण को थोड़े समय के लिए सुशोभित करें, सुगंधित करें, और सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य जो रामलला ने किया है। कोल की रात भिल्ल वनवासी, सभी को एक सूत्र में बांधा है, चाहे वो ऋषि रहे हों, चाहे वो राजसी रहे हों, चाहे वो दलित वर्ग रहा हो, राम भगवान ने सभी को समान रूप से आदर दिया। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमें भी ऐसा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारा उनके चरणों में सदा समर्पित रहे, हमारे गुरुदेव भगवान की हमारे ऊपर कृपाएं बनी रहें, और हमारा ये सभी लोगों का जो सहयोग है, भारत के अन्य प्रांतों से सभी लोग आके हमारे कार्यक्रम को इतना सफल और सुंदर बना रहे हैं, सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने जो हमारे पद को प्रशस्त किया है, तो मैं सोचती हूँ कि जब वो शीर्ष नेतृत्व जिस पद पर चलता है तो वहाँ की जनता भी उस पद पर बहुत आत्मविश्वास के साथ चलती है। तो गडकरी जी को बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मला सगळ्यांना एकच सांगावंसं वाटतं, स्वच्छ शांत निर्मळ मन ठेवा आणि भगवंत तुमच्या जवळ आहे, तुमच्या मनामनात आहे, आणि प्रत्येक घराघरात राम पोचू दे अशीच मी भगवंता चरणी प्रार्थना करते। तिथे जो काही मला अलभ्य लाभ मिळाला, इतक्या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षी भगवंतांनी मला तिथे ठेवलं, माझ्याजवळ शब्द नाही आहेत। म्हणजे मी आत्तापर्यंत स्वतःला कसं रोखलेलं आहे हे माझं मला माहिती आहे। आणि कोणीही तिथे पोचतं तेव्हा जेव्हा एक रथ तिथपर्यंत पोचतो त्यापर्यंत, म्हणजे त्या रथाला तिथपर्यंत नेण्यासाठी लागणारा घोडा, रथ, त्याचे दोरे, हे सगळे सारथी, हे सगळे कारणीभूत ठरतात। म्हणजे कोणी एक जर मला भगवंताने तिथपर्यंत पोचवलं आहे म्हणजे माझं त्यात काही श्रेय नाही आहे, पण सगळ्यांचं श्रेय आहे जेव्हा पूर्ण सराउंडिंग पूर्ण। मला एक सगळ्यांनाच सांगावंसं वाटतं की शाहरुख खानचा एक डायलॉग आहे, फार फेमस डायलॉग आहे, किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है, आणि ते ॲब्सल्युटली खरं आहे। सगळ्यांनी अगदी शुद्ध अंतकरणाने भगवंताचं नामस्मरण करावं, भगवंत आहेत आणि ते आपल्याला आपले सत्कर्म करण्यासाठी सद्बुद्धी देतात, आणि भगवंत असं देव असेच मी सगळ्यांना
सांगू इच्छिते आणि भगवंताला श्रीचरणी प्रार्थना करते की आम्हा सगळ्यांना सत्कर्म करण्याची सद्बुद्धी प्राप्त हो। जय जय श्रीराम। जय श्रीराम। 500 बरस से हम लोग मंदिर के लिए तरस कर रह गए। आज 500 बरस के बाद यदि हम लोगों का अपना मंदिर मिल गया तब ऐसे सौभाग्य क्या होता है हिंदू समाज का। सनातन धर्म के लिए तो हम लोग बहुत बड़ा एक पर्व है। आ ये पर्व में हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर जाएगा कौन? हमारे घर से जा रहे हैं दो आदमी, हम लोग दोनों परिवार हैं, हमारे बाजू वाले हैं, ऐसे करके 20 आदमी हम लोग जा रहे हैं बाड़ी समाज से। मी सुरेखा देशपांडे, धर्मपेठ माता मंदिर। आमचा मोहक आर्ट्स नावाचा ग्रुप आहे आणि सगळा आमचा 20-25 बायकांचा ग्रुप आहे आणि आम्ही आज 30-35 वर्षापासून हलव्याचे दागिने बनवतो जे संक्रांतीसाठी खास असतात। तर आम्ही यावेळा हा जो प्रकल्प चालू आहे रामासाठी रामलल्लासाठी, तर त्याच्यासाठी आम्ही रामलल्लासाठी खास हलव्याचे दागिने बनवलेले आहेत। मुकुट, हार, बाजूबंद, मनगट्या असे सगळे दागिने आम्ही खास रामलल्लासाठी बनवलेले आहेत आणि या ग्रुपबरोबर आम्ही पाठवतो आहे। तर आमची इच्छा आहे की रामलल्लापर्यंत ते दागिने जावे आणि त्यांनी ते घालावे अशी मनापासूनची इच्छा आहे। शंकरा न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे। सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारचे जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान। आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे। मग वाट कोणाची बघताय? आताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आमचा पत्ता आहे योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर महाजन मार्केट जवळ टेम्पल बाजार रोड सीताबर्डी नागपूर। संपर्क साधा 86-05-24-50-80। लँडलाईन नंबर 07-12-25-67-74-7।